नाज़िम मैं सैयद मिसबाह एसएम स्टेशन में आपका खैर मुकदम करता हूँ। आइए देखते हैं आज के अहम तफसीलात पर एक नज़र। जो मोइनाबाद में इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट में जो बतुकू मधुसूदन अलियास मधु यादव है, उनको निर्भया केस के दौरान अरेस्ट करके चरलापल्ली जेल में उनको अरेस्ट करके भेजा है। और बतुकू मधुसूदन यादव ये हिमायत नगर विलेज में रहने वाला है। और हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं, सभी पब्लिक को, कि कोई भी बच्ची का नाम नहीं डालना है और बच्ची का नाम नहीं इस्तेमाल करना है। और अभी 25 तारीख को सुबह 10:30 बजे जो अभी मरी हुई बच्ची है, उनके सिस्टर ने, उनके बहन ने पुलिस को कंप्लेंट दिया है कि वो और उनके सिस्टर दोनों लगभग 4-5 साल से उधर काम कर रहे हैं। बचपन में ही उनका माँ का इंतकाल हो गया है और उसके बाद उनका पापा भी दूसरे शादी किया है और उनके नानी के पास वो काम पे इनके घर में कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से। और ये जो मधु यादव है, जो जिनके घर में वो काम कर रहे हैं, वो जब भी पी के आते थे और उनको गालियाँ देते थे और उनको अच्छे तरह से उनको नहीं देखते थे बोल के उन्होंने बयान दिया है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जिस दिन 24 तारीख को रात को 10 बजे खाने के बाद उन्होंने बोला कि ऊपर कुछ काम है, ऊपर कमरे में कुछ काम है बोल के ऊपर लेकर गया है। और उसके बाद सुबह देखा तो इनका बहन सुबह देखा तो वो देखा है कि वो सुसाइड करके हैंगिंग करके मर गया था। तो हम उसी दिन, और उसने ये भी बोला है कि जब तक पुलिस पहुंचते हैं उससे पहले ही बच्ची के बहन को बोला है कि पुलिस को ऐसे बोलना कि तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो पेट में दर्द है, इसके वजह से वो सुसाइड किया बोल के बोलने का बोला है। उसके बाद फिर हमने इन्होंने जो मधु यादव है इन्होंने पुलिस को कॉल किया है कि हमारे घर में जो बच्ची काम करती है वो सुसाइड करके मर गया और उनको पेट में दर्द था इसलिए मर गया बोल के। फिर उसके बाद वो डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को शिफ्ट किया है और डिटेल पीएमई रिक्वेस्ट किया है। उसके बाद क्लूज टीम को भी बुला के जो भी क्लूज है उधर पूरा सीज किया है। और जो बच्ची है, बच्ची के बहन के साथ वुमेन सब इंस्पेक्टर उनसे बात किया है। वो बात के दौरान उनके बहन ने बोला है कि बहुत तंग करते थे घर पे, हर छोटी छोटी बातें को भी गालियां देते थे और इनके ये पूरा हरासमेंट के वजह से ही उनका सिस्टर हैंगिंग किया होगा बोल के उन्होंने बयान किया है। उसी दौरान हमने सेक्शन चेंज करके निर्भया एक्ट 376(2)(k) निर्भया एक्ट के अंदर डाला है। और क्योंकि बच्ची को घर पे रख के काम करवा रहे हैं, चाइल्ड लेबर एक्ट भी अट्रैक्ट होता है बोल के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी डाला है इनके ऊपर। और ये जो बतुकू मधु यादव है वो पहले से ही राउडी शीटर है मोइनाबाद पुलिस स्टेशन में। उनके ऊपर 2018 में 3 केसेस है लैंड ग्रैबिंग के ऊपर। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको जल्दी के जल्दी सज़ा मिल जाए और उनको कन्विक्शन आ जाए और पीडी एक्ट भी उनके ऊपर डाल रहे हैं। ये पूरा केस अभी एसीपी राजेंद्र नगर अशोक चक्रवर्ती और हम पूरा सुपरविजन के अंडर में एसीपी राजेंद्र नगर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी कहीं भी वो बच्ची का नाम नहीं यूज़ करना है
एक बात। दूसरा बात, सबको ये मालूम होना है कि बच्ची, छोटी बच्ची को घर पे नहीं रखना है काम के लिए, क्योंकि बच्ची जो जो है वो पढ़ने का स्कूल जाना है, पर कोई भी घर पे रख के ऐसे चाइल्ड लेबर का काम किया तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। और अभी जो रिपोर्ट्स आना है FSL से, FSL रिपोर्ट आने के बाद उनके ऊपर चार्जशीट भी होगा और ट्रायल भी होगा, और जल्द की जल्दी उनको सजा मिलने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। अभी उनके ऊपर निर्भया केस के ऊपर उनको अरेस्ट करके जेल को भेजा है, और ये भी देखते हैं कि वो PD एक्ट भी डाल के वो ज़्यादा तक उनको सजा होने तक हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, फैमिली का कहना है कि उन नहीं, मैं 100% बच्ची के जो बहन है उनसे और उनके ब्रदर से, दोनों से भी मैं भी मिला हूँ और मेरा नंबर भी दिया हूँ, और उनको बोला कि कोई भी हरासमेंट हो, कोई भी उनको चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को डायरेक्ट वो कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं 100% उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी दे देंगे। सर, हम रात में 12 बजे वहाँ पर पहुँचे थे, वो लोग बहुत दहशत में थे, हम रात से 12 से 1 बजे तक हम साथ में थे, वो लोग सो नहीं पा रहे थे, ये बता रहे थे कुछ गाड़ियाँ आ रही जा रहे हैं, वो लोग को बहुत डर लग रहा है। नहीं, 100% जो अभी आई विटनेसेस है, जिनके जो भी इसमें बयान करने विटनेसेस है, उनको 164 भी करवा रहे हैं, कोर्ट में भी रिक्विजिशन भी डाल रहे हैं, और वो बच्चियों को तब तक हम डेफिनेटली पूरा केस होने तक पूरा प्रोटेक्शन देंगे, वो बच्चियों को भी और उनके फैमिलियों को भी। सर, उनका जो घर है एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर रात को 7 बजे के बाद में कोई आपको दिखाई नहीं देता, बिल्कुल विलेज जैसा एरिया है, वहाँ पर कोई भी उनका प्रोटेक्शन नहीं है। सर, कल से लेके डेढ़ मंथ से लेके आप तक वहाँ पर है, तो आप लोग जो बता रहे हैं वहाँ पर कोई पुलिस कमिश्नर कर्मचारी नहीं है, कोई चीज़ की फैसिलिटी नहीं है। किधर है ये? राजेंद्र नगर PS के पीछे। हाँ, ठीक है। तो उनके उनके पापा जो है वो सेकंड मैरिज करके वो बुधवेल में रुक रहे हैं, तो उधर भी हम प्रोटेक्शन देंगे, 100% उनको भी विटनेस प्रोटेक्शन देंगे, और देखेंगे कि पूरा सजा मिलने के लिए हम पूरा कोशिश करें। उनके अड़ोस पड़ोस में फोन आ रहे, आप लोग उनके अगेंस्ट में थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा बोलो, बोलिए भी लाइक आल्सो। नहीं नहीं, 100% वो जो विक्टिम है, विक्टिम बहन, वो उनका बहन है, वो हम 100% उनको सिक्योरिटी देंगे, उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो हम अटेंड करेंगे, और अलग अलग बार उनसे भी हम मुलाकात होगी और 100% उनको प्रोटेक्शन देंगे। AS जूनियर कॉलेज, जहीराबाद, अपोजिट प्रगति नर्सिंग होम।